हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिया की हाल चाल। तो भाई आज का टॉपिक नहीं है कुछ, जस्ट एक वीडियो है जी आईफोन के बारे में। ठीक है, जो अपना आईफोन XS है वो लिया था अपन लोगों ने ना, दो ढाई महीने हो गए जी, दो महीने तो हो ही गए। तो उसका भाई लोगों ने कहा था कि रिव्यू बना दो कि कैसा है फ़ोन, तो दिखाते हैं जी आपको कैसा है फ़ोन। हाँ जी, तो ये जी अपना आईफोन XS, ठीक है जी। तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आज इसका रिव्यू बनने वाला है, तो बताते हैं जी फ़ोन कैसा है, चलने में कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और क्या क्या अच्छी बातें हैं इसमें और क्या क्या बुरी बातें हैं। तो जी पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। ठीक है जी, ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके हैं इनके डिज़ाइन, iPhone XS का डिज़ाइन ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी चैनल्स पे, तो आज हमारी तरफ से भी देख लो भाई लोग। अपना जो फ़ोन है वो है इस कलर में, ठीक है जी, गोल्डन शाइनिंग है बैक साइड में, और ये बैक साइड में इसके ग्लास है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये वाला जो मेरे को पावर बैंक भी साथ में मिला था स्प्रॉल कंपनी का, ये फ्री था आईफोन के साथ में, और ये वायरलेसली चार्ज भी करता है अपने आईफोन को, ऑलरेडी मैंने दिखाया भी है। प्रॉपर बातें हैं जी इसके फ़ायदे, जो अच्छी चीज़ें इसमें उसके बारे में बताते हैं जी। ठीक है, तो देख लो भाई उधर ये छोटा कैमरा, तो अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी फेस आईडी बहुत अच्छी काम करती है, चाहे धूप अंधेरा हो, जिसको अपन बिल्कुल अंधेरा कहते हैं ना, कुछ भी लाइट ना हो तो भी ये काम कर जाती है, कोई चक्कर ही नहीं, इसका इश्यू नहीं है इसमें। और इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पीछे ग्लास है, ये दो कैमराज हैं, और नीचे एक ये लाइटनिंग पोर्ट है, ये स्पीकर ग्रिल है, ये माइक्रोफोन वाली ग्रिल है, तो इसमें आवाज़ वगैरह जाती है। और इस साइड में वॉल्यूम रॉकर्स दिए हुए हैं आवाज़ बढ़ाने घटाने के लिए, ये और ये म्यूट करने के लिए और अनम्यूट करने के लिए, ये अलग, और ऊपर कुछ नहीं है। और इस साइड में जस्ट एक पावर बटन है, इससे सिरी भी ऑन होती है और इससे फ़ोन ऑन होता है, ऑफ इससे नहीं होता। इसको अगर ऑफ़ करना है आपको तो ये और ये इधर पावर बटन्स को दबाना पड़ता है तो ऑफ होता है, तो ये ऐसे आता है। अगर अकेला दबाएंगे इसको तो अकेले पे खाली सिरी ही आएगी, ये देखो ये मसला है इसमें। नए आईफोन जो आईफोन आए ये वाले आईफोन या टेन या XS में ऐसा फंक्शन है, ठीक है, बाकी सब में सेम ही है पुराने वाले आईफोन्स में। तो इसके सामने जी ये इधर सेंसर्स वगैरह दिए हुए हैं, जो जो सेंसर्स हैं इसमें फेस आईडी के लिए और फ्रंट कैमरा, ये स्पीकर है। ये फ़ोन में काफ़ी स्पेक्स हैं, जैसे कि फास्टेस्ट प्रोसेसर है 8 नैनोमीटर पे बना हुआ, ठीक है, तो अच्छी स्पीड आती है, कोई चक्कर नहीं है, कोई इशू नहीं है, डिज़ाइन भी अच्छा है, सुंदर लगता है फ़ोन, काम चल जाता है आपका। आपके बजट है तो आप लें, अगर आपका बजट नहीं है भाई कोई ज़रूरत नहीं है पैसा उठा के, मतलब लोन लेके या EMIs पे फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता है इतने महंगे फ़ोन का, कोई बेनिफिट तो है नहीं, सेम iOS वाला ही काम कर रहा है, तो सेम ये भी काम करता है, मेरा iPhone 5S भी सेम ही काम करता है, बस ये है कि इसका कैमरा इंप्रूव है, प्रोसेसर इंप्रूव है, फास्ट चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन ये कि एक दम से पैसा लगाना वो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। इंडिया में 1 लाख रुपये लगाना तो बेवकूफ़ी है, यहाँ आ जाओ, विदेश में जाओ कहीं भी, तो वहाँ पे किस्तों में मिल जाता है प्लान के साथ में। जैसे मेरा प्लान है टेलस्ट्रा के साथ में $114 का, तो उसमें मेरे को अनलिमिटेड इंटरनेट भी मिलता है, अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल्स भी मिलती हैं, और बीच में ही फ़ोन का प्लान है नहीं है, तो आपको दिखा देते हैं, ये देख लो जी कैमरा काफ़ी अच्छा, कैमरे की तो आप क्वालिटी देखती हो डेली, मैं वीडियोज़ वगैरह इसी से शूट करता हूँ iPhone XS से ही। इसमें काफ़ी ऑप्शन वगैरह हैं, ये वीडियो का है, स्लो मोशन का है, टाइम लैप्स का है, तो और ये पोर्ट्रेट वाला है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, स्टूडियो लाइट है, स्टेज लाइट है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ये स्क्वायर वाला और पैनोरामा वाला तो अपने पुराने फ़ोन्स में भी, आईफोन्स में, और ये पोर्ट्रेट वाला हर एक फ़ोन में नहीं है, ये iPhone 7 के बाद में ही आया है, और इसमें फ्रंट कैमरा में भी पोर्ट्रेट है, तो ये एक बेनिफिट है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो ये 4K तक करता है, तो वो आपको दिखा देते हैं क्या क्या है मसला इसका। तो कैमरा और ये रिकॉर्ड वीडियो, ये 4K 60 FPS तक करता है, लेकिन अपन लोग नहीं करते इसमें, तो अपन लोग करते हैं खाली, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई इतने ज़्यादा रिजोल्यूशन की वीडियो बना के बाद में अपलोड करने में भी दिक्कत हो, तो कोई नहीं फ़ायदा है उसका, तो आराम से 180 में करते हैं चलता है। और ये होम बटन का काम देता है, ये असिस्टिव टच होता है, ये होम बटन का पूरा काम दे देता है, ये देता है जी। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो आराम से 8-9 घंटे निकाल देता है जी, मेरा काम चल जाता है, मैं वीडियो वगैरह शूट भी करता हूँ, एडिट भी करता हूँ, तो अपना तो काम चल जाता है, 7-8 घंटे निकाल देता है। अच्छा फ़ोन है, कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है, लेकिन ये कि मैं एक और सजेशन दूँ, अगर आपको ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, आईफोन ही चाहिए,
तो प्लस मॉडल में जाएं, लेकिन उसमें यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप ये देख सकते हो कि ये भी काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे आता है ये हाथ में। तो मेरे हिसाब से ये वाला साइज़ सही है, ना जाएं बड़े मोबाइल की तरफ तो ज़्यादा बेटर। स्पेक्स का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसमें कौन कौन सी स्पेक्स हैं आईफोन XS में, सब आपको पता है, तो स्पेक्स बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैमराज वगैरह अच्छा है, लोगो तो अच्छा है इसका, और डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है, अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज़ का है, कोई ज़्यादा इशू नहीं, ना ज़्यादा भारी है, भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितने प्लस मॉडल्स होते हैं। और इसमें 3D टच भी है जी, ये 3D टच भी है, तो जैसे ये सेटिंग में गए तो ये शो कर देगा क्या खोलना है, तो ये ऐसे आता है जी। बाकी मैंने काफ़ी एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर रखी हैं अपने यूज़ के लिए, तो उनके बारे में भी एक दिन वीडियो बनाएंगे प्रॉपर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस मैं यूज़ कर किस चीज़ के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो बंदे कहते हैं कि स्पीड वगैरह कितनी आती है नेट की, तो इस टाइम शो देख लेते हैं जी कितनी आ रही है अपने टेल्स्ट्रा की, तो वो भी आप चेक कर लें स्पीड कितनी है टेल्स्ट्रा की, आपको दिखा देते हैं। ऑप्टस की इससे थोड़ी कम होती है, तो जी डाउनलोडिंग तो 22.4 आ रही है, अपलोडिंग देखते हैं कितनी आ रही है, अपलोडिंग काफ़ी कम आ रही है जी। लेकिन ये कि इतनी अपलोडिंग में भी काम चल जाता है आराम से, कोई इश्यू नहीं होता है, आराम से टाइम से हो जाती है। मेरे एक दिन ही दिक्कत हुई थी अपलोडिंग की, वो कुछ इश्यू था यूट्यूब में, कोई बग था। बाकी इसमें थोड़ा इश्यू ये है कि इसके ये जो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह है ना, ये बड़े भुर जाते हैं, मतलब ये देखो ये गिर रहा है इधर से इसका, ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ इसकी टूट रही है। और इसका मेरे को कवर भी मिला था साथ में, ये वाला कवर है, ये कवर तो भद्दा सा ही है, कोई अच्छा नहीं लगता, ये इधर से टूट भी गया है, तो नया ऑर्डर किया हुआ है अली एक्सप्रेस से। तो मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज ही मैंने किया है, तो ये टूट गया जी। लेकिन इसका ये बेनिफिट था, ये काफ़ी मजबूत था, ये बैंड नहीं होता है, ये खाली नीचे से बैंड होता है, ऊपर से यहाँ से नहीं होता है कहीं से भी, और ये वायरलेसली भी चार्ज कर देता है फ़ोन को। तो अब दिखाते हैं कि कौन सा मैंने ऑर्डर किया हुआ है जी। ये मेरे iPhone 5s में ना ये बड़ी दिक्कत है, ये फोकस नहीं करता है, तो इसलिए मैंने ना इस पे वीडियो बनानी छोड़ दी थी। तो ये चीज़ें अभी ख़रीदनी है जी, ये वाला ख़रीदेंगे जी ट्राईपॉड, किसी दिन पैसे पूसे हो जाएं थोड़े तो देखते हैं क्या करना है। तो ये वाला ऑर्डर किया है जी अपन लोगों ने, आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, इसमें काफ़ी सस्ती चीज़ें लग जाती हैं, और कोई उसका वो भी नहीं पड़ता, ये कस्टम चार्जेस भी नहीं पड़ते हैं, कंट्री के इधर आने के कोई इश्यू नहीं है। तो ये वाला किया जी $171 में, और अगर आप यहाँ पे लोगे तो $10 से नीचे कोई भी कवर नहीं मिलता है, तो ये वाला किया जी अपन लोगों ने। और बाकी जो भाई लोग आ रहे हैं, मैं तो उनसे ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये दो तीन एप्लीकेशन हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी वो आप डाउनलोड कर लें। आपको बता देता हूँ, एक तो ये गमट्री है, ये इंडिया में डाउनलोड नहीं होगी, यहीं आके आपको करनी पड़ेगी। ये रेमिटली कर लो, इससे आप पैसे वगैरह भेज सकते हो वर्ल्ड रेमिट और रेमिटली से, ठीक है। ये तो ANZ बैंक की एप्लीकेशन है, और ये मैंने टेलस्ट्रा का डाल रखा है, और एक एप्लीकेशन और है ये ब्लैक बोर्ड वाली, ये आप जरूर कर लें। ये अपने ऑस्ट्रेलिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब इसमें आ जाती हैं, तो आपको अपनी यूज़र आईडी वगैरह भरनी पड़ती है, स्टूडेंट आईडी। और इसके अलावा आप ये जोरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इसमें भी जॉब्स वगैरह का पता लगता रहता है, कहाँ क्या कौन सी जॉब है। तो के बारे में बात कर लेते हैं, बुरी बात ये है कि इसके ना कीबोर्ड वाली ये है ना, जैसे ये किया ये बीच में सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये इश्यू होता है इनका। लेकिन इसका भी चलो जुगाड़ है जो है, मतलब इसको स्पेस को दबाए रहो, जहाँ भी जाना है वहाँ रोक लो आके ऐसे। लेकिन ये कि एंड्रॉयड में ज़्यादा कन्वीनियंस है मेरे हिसाब से, कि जहाँ भी क्लिक करो वहीं उनका कीबोर्ड वगैरह पहुँच जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि इसमें डाउनलोडिंग वाली, आपको डाउनलोडिंग नहीं हो पाती इसमें। अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है, मैं तो ये आई फाइल ऑर्गेनाइज़र करता हूँ यूज़, अगर गाने वगैरह डाउनलोड करने होते हैं हिंदी पंजाबी जो भी MP3, वीडियोस तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, बस इतना सा काम चल जाता है। और इसकी एक बुरी बात ये फ़ोन की, फास्ट चार्जिंग तो सपोर्ट करता है जी, इसके साथ में फास्ट चार्जर नहीं आता है, तो ये चार्जिंग को काफ़ी टाइम ले लेता है, 3 साढ़े 3 घंटे ले लेता है, तो ये थोड़ा इश्यू है इसमें। बाकी बैटरी बैकअप तो इसका अच्छा है, बैटरी बैकअप में कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, देख लिया आपने। तो बाकी अब मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में और बता दूँ, जो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि
फ़ोन अच्छा है, ठीक है, लेकिन भाई अपनी जेब के हिसाब से चलें। अगर आपकी जेब में पैसा है तो ही लगाएं, ये नहीं है कि चौड़ चौड़ में आके काम ना ख़राब कर लो अपना, ठीक है। क्योंकि किसी के पास देखा कि आईफोन टेनेस है या टेनेस मैक्स है तो हमने भी लेना है, तो भाई ऐसा ना करो। एंड्रॉयड बेस्ट है मेरे हिसाब से। आईफोन का तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी आईफोन यूज़ कर रहा था, ठीक है। और एक तो इनमें बैटरी बैकअप का थोड़ा इश्यू होता है, लेकिन इस फ़ोन का अच्छा है जी। पहले मेरे आईफोन 5S का तो बहुत ही गंदा था, मैं दिन में उसको चार चार बार चार्ज करता था, ठीक है। और इस फ़ोन में तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये कि पैसे के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए इस पे लगा रहे हो, अगर आप सैमसंग पे लगा लोगे, जो S10 वगैरह हैं वो 70-75 हज़ार के हैं, तो उसमें फाड़ स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, इससे ज़्यादा भी बढ़िया मिलती है और काफ़ी अच्छा है उसमें। एक तो उनका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ये उतने पैसे उतनी अच्छी चीज़ अपन लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन ये कि आईफोन आईफोन है अपनी जगह, इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं हैंग होंगे, नहीं क्रैश होंगे, ना एडवर्टीजमेंट्स आती हैं ज़्यादा, जैसे कि एंड्रॉयड में तो एडवर्टीजमेंट्स ही आती रहती हैं, ये थोड़ा मसला होता है एंड्रॉयड में। बाकी एंड्रॉयड बेस्ट है डाउनलोडिंग के लिए भी, हर काम में भी कन्वीनियंट है, उनका हार्डवेयर भी सस्ता मिल जाता है, अगर कहीं से भी आपने रिपेयर करवाना है रिपेयर हो जाता है। आईफोन का तो हार्डवेयर भी बड़ा महंगा है। अगर आप सर्विस सेंटर में जाओगे, आपने अगर खुलवाना है मोबाइल अपना, अगर उन्होंने देखा एक बार में, तो वो उनकी सर्विस चार्ज होता है 1500 रुपये, क्योंकि मैंने अपना एक फ़ोन था 6S Plus वो दिखाया था, तो 1500 रुपये उन्होंने ले लिए थे खाली देखने देखने के। तो पता नहीं क्या इनकी पॉलिसी है, क्या मसला है, होता होगा या नहीं होता होगा, या मेरे को ठग लिया गया, लेकिन ये कि इनकी 1500 रुपये फीस तो होती होती है खाली ये मसले करने की। मेरी तो ये सलाह है जी, ना ले पंगे इतने महंगे फ़ोन के। अगर आप यहाँ आ रहे हो यहाँ के ले लो, क्योंकि यहाँ किस्तों में मिल जाता है। इंडिया में 1 लाख रुपये लगाना फ़ोन पे तो जी बेवकूफ़ी है, ना लगाएं। हाथ जोड़ के विनती है जी भाई लोगों से कि लोगों के चक्करों में ना आए, अब लोगों की बातों में आके अपना काम ना ख़राब करें, क्योंकि फ़ोन लेने के बाद आपको कोई बेनिफिट तो होना नहीं है इसका। मेरे हिसाब से तो भाई कोई बेनिफिट नहीं है इस फ़ोन का, कि आप इतना पैसा लगा रहे हो, 1 लाख रुपए लगाओगे तो आपके 1 लाख रुपए इससे वापस तो आ नहीं जाने फ़ोन से। चीज़ उस पर पैसे लगाओ जिससे आपको कोई बेनिफिट मिलना है, ठीक है। मैंने इसलिए इस पर पैसे लगा लिए, मेरे को पता है कि हाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ, मेरे को फ़ायदा मिलेगा आगे जाके, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आईफोन 5S में भी वीडियो बन रही थी, लेकिन आपने देखा उस वो ना फोकस नहीं करता, फोकस उसका इधर उधर हो जाता है, फोकस नहीं करता है, आप देखा ही आपने ऑलरेडी। तो उम्मीद करते हैं जी फ़ोन की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।